हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यूजिंग के मैप। प्रीवियस सेशन में अभी हम लोग के मैप का यूज करके एक दो एग्जांपल को देख चुके हैं। वहाँ पे हम लोग मेन टर्म का यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग मैक्स टर्म से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास थ्री वेरिएबल्स हैं, तो थ्री वेरिएबल से मैक्सिमम 8 कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में भी देखे थे, तीन वेरिएबल हैं तो 2 के पावर 3 करेंगे तो कितना होगा 8, और एक कॉम्बिनेशन बनेगा 0 से लेकर के 7 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हम लोग का पहला स्टेप यही था कि हमें वेरिएबल को देखना है कि कितने वेरिएबल्स का के मैप होगा। तो यहाँ पे थ्री वेरिएबल का के मैप है, यानी कि यहाँ पे टोटल 8 नंबर जो है ना आपको सेल में एंट्री करना पड़ेगा। तो हम लोग उस तरह का जो है ना यहाँ पे एक के मैप जो है ना आप बना लेंगे, जिसमें वेरिएबल 3 होगा और वेरिएबल हमारे पास है ए बी और सी। तो इस तरह का जो हम लोग एक के मैप बना लेंगे जिसमें 8 सेल होना चाहिए, 8 सेल होना चाहिए। ये आपका जो है ना 8 सेल का के मैप हो गया। यहाँ पे हम ले रहे हैं ए और इधर ले रहे हैं बी और सी। अब इसमें जो है ना आप इस सेल में जो है ना वैल्यू को एंट्री करना है, और आपको ध्यान रखना है, पहले ये वेरीफाई करना होगा स्टेप टू में कि जो ये टर्म दिए गए हैं ये आपका मेन टर्म है या मैक्स टर्म है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये क्या है, ये मैक्स टर्म है। और मैक्स टर्म कैसे पता चला, तो यहाँ पे पाई देख रहे हैं तो पाई से हम लोग मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, और समेशन से हम लोग मीन टर्म का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब यहाँ पे जो वैल्यू होगा, या तो ए का वैल्यू 0 हो सकता है, नहीं तो 1 हो सकता है। बी का वैल्यू पहले 0 0 हो सकता है, फिर 0 1 भी हो सकता है, फिर 1 1 हो सकता है, और 1 0 हो सकता है। अगर आप नंबर इसमें देखेंगे तो कहाँ पे एंट्री हो सकता है, देखिए ये वाला आपका वेट 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आपका 2 है, और ये आपका 3 है। फिर यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 हो जाएगा, और ये आपका 7। इस तरह का वेट रहेगा यहाँ पे। आपको फील किसको करना है, देखिए फील करना है आपको जो दिया गया है उसको फील करना है। देखिए यहाँ पे आपका 0 दिया गया है, तो 0 पोजिशन पे आप यहाँ पे फील कर देंगे 0 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पे 3 नंबर 3 दिया गया है, यानी कि 3 नंबर सेल में जो है ना आपको यहाँ पे 0 पुट करना है। आप देख रहे हैं प्रीवियस सेशन में हम जो क्लास देखे थे के मैप से, वहाँ पे हम 1 पुट कर रहे थे, यहाँ पे 0, क्योंकि मैक्स टर्म है तो मैक्स टर्म में हम लोग क्या पुट करते हैं, 0 सेल में करते हैं। फिर 6 है तो 6th पोजिशन पे हम लोग 0 पुट करना है, यहाँ पे 6th पोजिशन यहाँ पे है तो 0 पुट कर दिए। फिर 7th पोजिशन यहाँ पे है तो 7th पोजिशन पे आपको 0 पुट करना होगा, यहाँ पे हो गया 0। तो आपका हमारा जो है ना 4 जो है ना यहाँ पे टर्म हमको मिला है मैक्स टर्म, और चारों मैक्स टर्म को हम एंट्री करा दिए हैं सेल में। अब इसको जो है ना हम लोग को मिनिमाइज करना है के मैप का यूज करके। अब के मैप से हम क्या करते हैं कि इसके जो है ना कॉम्बिनेशन बनाते हैं, रेक्टेंगुलर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। कम से कम जो है ना पहले हम सोचते हैं 16 का था ये है ही नहीं, तो 8 का 8 का नहीं बनने वाला है, 4 का भी इसमें कॉम्बिनेशन नहीं पॉसिबल है। तो हम लोग 2 2 का कॉम्बिनेशन बना करके इसको जो है ना कंबाइन करने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे एक तो आपका ये कॉम्बिनेशन बन सकता है 2 का, ये हो सकता है, एक ही हो सकता है। उसके बाद जो है ना आपका एक और जो है ना इसमें से जो है ना ये निकाल सकते हैं, एक ये वाला हो सकता है आपका, एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकता है, 2 हो गया। और ये जो है ना 0 आपका किसी के साथ कंबाइन नहीं हो रहा, ये 0 आपके पास किसी के साथ कंबाइन नहीं हो रहा, तो इस 0 को जो है ना आपको स्पेशल अलग से ही लिखना पड़ेगा एक्सप्रेशन में, इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 0 अलग से हो गया। तो हमारे पास 3 जो है ना कॉम्बिनेशन बन रहा है, और तीनों के लिए हमें क्या करना होगा, एक्सप्रेशन लिखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पहले, यानी कि जो 0 है इसी के लिए, ये 0 के लिए। तो इसके लिए हम लोग जब एक्सप्रेशन लिखेंगे तो आप इस देख पा रहे हैं इस पोजीशन पे जो है ना आपका ए है, यहाँ पे ए का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ए का वैल्यू 0 है। फिर बी और सी का वैल्यू क्या है, 0, यानी कि सही वैल्यू को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम करते हैं ए बी और सी, तो इसके लिए ए भी 0 है और बी भी 0 है और सी भी 0 है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको सिंपली लिख देना है ए प्लस बी प्लस सी। प्लस क्यों लिखे, क्योंकि मैक्स टर्म लिख रहे हैं, और मैक्स टर्म हम लोग क्या करते हैं प्लस में लिखते हैं। पहला हम लोग का एक्सप्रेशन ये निकल गया, ये एक्सप्रेशन 1 हो गया। अब 2 हमारे पास और रेक्टेंगल है जिसका एक्सप्रेशन हमें लिखना है, तो इन दोनों के लिए हमें लिखने के लिए देखिए यहाँ पे इस नीचे वाले के लिए लिखते हैं, इसके लिए लिखते हैं हम लोग, इसके लिए लिखेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका ए का है, ए का वैल्यू कितना है, और 1 है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए बी सी, और ए बी सी में ए का वैल्यू क्या आ रहा है, तो 1 आ रहा है।
उसके बाद में यहाँ पे देख रहा है एक अवेलेबल, और इसमें देखेंगे इन दोनों में जो है ना क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, बी और सी में क्या कॉमन है, तो बी कॉमन है और बी का वैल्यू कितना है, वन है, बी का वैल्यू वन है। क्या इसमें सी होगा, तो सी नहीं होगा, सी की आवश्यकता इसमें नहीं है, ठीक है, बी कॉमन हो गया। अब देखिए दोनों ही वन है, तो दोनों वन है तो हम लोग तो मैक्स टर्म जीरो से लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखना होगा आपको ए का कॉम्प्लीमेंट और प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए इसके एक और टर्म हमको मिल गया। अब एक टर्म आपका एक और रेक्टेंगल है जिसका जो है ना आपको कॉम्बिनेशन लिखना है। अब इसमें जो है ना आपको देखना होगा कि कैसे लिखेंगे, देखिए ए वाला जो है ना आपका थर्ड वाला है, ए वाला, ये वाला है, तो इसके लिए देख रहे हैं कि आपको ये में कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, ये में कुछ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये में कुछ भी इसमें कॉमन एक ही टर्म है तो कुछ भी कॉमन होगा, तो सिर्फ हमको बी और सी देखना, और बी और सी देख रहे हैं दोनों ही क्या है, वन है, बी और सी यानी कि बी और सी क्या है, दोनों ही वन है, इसको काम लिखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। क्यों कॉम्प्लीमेंट लिखे, क्योंकि दोनों वन है, अगर जीरो होगा तो नॉर्मल वैल्यू लिखेंगे, लेकिन अगर जीरो नहीं होगा वन होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट वैल्यू लिखेंगे। तो ये हमारा तीन जो है ना एक्सप्रेशन तीनों रेक्टेंगल के लिए मिल गया। अब इन तीनों का कंबाइन करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद हो जाएगा मल्टीप्लाई यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा जो है ना फाइनल आंसर आ गया है विथ मिनिमाइजेशन टेक्निक। अब इसका फाइनल आंसर यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ना आपका जो फाइनल वैल्यू दिया गया है ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ, आप इसे मैचिंग करवा सकते हैं इसका आंसर वो आया है या नहीं आया। देखिए यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ भी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे ए बी सी है, तो ए बी सी है, इसका मतलब ये आंसर आपका सही है। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे और एक दो क्वेश्चन और भी क्वेश्चन आप बुक से लेकर के प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कैसे करते हैं। ये आपका थ्री वेरिएबल्स का था, अब हम लोग फोर वेरिएबल्स का सेम क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन कहने का मतलब मैक्स टर्म में देखते हैं, क्योंकि मीन टर्म्स हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में दो प्रीवियस क्लास में दो क्वेश्चन देख चुके हैं, अभी हम लोग मैक्स टर्म्स को सॉल्व करते हैं। तो मैक्स टर्म से यहाँ पे आपका पास कितना है, फोर वेरिएबल्स है, और फोर वेरिएबल से हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो टू टू पावर फोर, दैट मीन्स की 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो हमारे पास 16 सेल होना चाहिए अगर हमको के मैप बनाना है। तो इसमें जो है ना 16 सेल का जो है ना हम लोग यहाँ पे एक के मैप बना लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं साइज में, जिससे मिनिमाइज करने में आसान हो, स्पेस है तो इसको यूज करते हैं। देखिए इस तरह का जो है ना आपको सेल बनाना होगा, इसमें चार भाग कर देंगे, ये आपका हो गया, फिर से यहाँ से आप इसको फिल कर देंगे, ये आपका बन गया 16 सेल का के मैप, क्लियर है। अब इसमें हमारे पास चार वेरिएबल हैं, तो आप ऊपर नीचे कहीं भी रख सकते हैं, ध्यान रखेंगे भरते टाइम ए भी हम नीचे रखे हैं, ए बी का वैल्यू इधर आएगा और सी डी का वैल्यू इधर जाएगा। अब यहाँ पे जो इसका जो है ना वेट वैल्यू देना है, तो हम यहाँ पे पहले लेते हैं ए बी का 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 1 हो सकता है और 1 0, फिर यहाँ पे 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 1 हो सकता है और 1 0 हो सकता है, इस तरह से। अब इसके वेट वैल्यू को अगर आप लिखना चाहेंगे तो ये देखिए ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका 3, फिर उसी प्रकार से हमें 4 अगर 5 यहाँ पे 6 और ये हो गया 7, यहाँ हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा आपका 11, ये हो जाएगा आपका 12, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा आपका 14 और यहाँ हो जाएगा 15, सबसे वेट वैल्यू भर लेंगे क्योंकि इस नंबर को इसी वेट में जो है आपको भरना होगा। अब देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या है, पाई है, पाई मतलब मैक्स टर्म है, मैक्स टर्म में हम लोग क्या फिल करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, जो भी यहाँ पे अवेलेबल है उसके लिए 0 पुट करेंगे हम लोग सेल में, सेल वैल्यू। अब यहाँ पे हम लोग फिल करना है, तो देखिए यहाँ पे 0 0 नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 है, तो 3 के लिए हम लोग 3 वाले सेल में 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, 0 पुट कर दिए, फिर 5 है, 5 वाला में 0 पुट कर दिए, 5 वाला में फिर यहाँ पे 0 पुट कर दिए, फिर आपका 7 वाला है तो 7 में जो है ना 0 पुट कर दिए, फिर 8 है, 8 में 0 पुट करेंगे, 8 यहाँ पे है, 0 पुट कर दिए, फिर 10 है, 10 में जो है ना आपको 0 पुट कर देना है, फिर 11 है, 12 है, 13 है, तो 11 में
उसके बाद में 12 है और एक हो गया आपका 13 हो गया, बस हो गया हमारा पुट हो गया। आप देख सकते हैं सेल में जो है ना 3 3 6 2 8 आपका जो है ना यहाँ पे जीरो पुट कर दिया और एक नंबर भी आपके पास 8 है। अब इसमें हम लोग को सबको जो है ना रेक्टेंगल एंड ग्रुप बनाना है। 4 का ग्रुप देखेंगे, 8 का तो नहीं बन पा रहा इसमें, 4 का देखेंगे, 4 का भी पॉसिबल नहीं हो तो 2 का ग्रुप बना करके इसको हम लोग जो है ना इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे। अगर 2-2 का ग्रुप अगर हम लोग बनाते हैं, 4 का ग्रुप पहले ट्राई करते हैं 4 का ग्रुप बनाने के लिए, तो 4 का ग्रुप इसमें जो है ना कहीं से नहीं बन पा रहा, 4 का ग्रुप नहीं बन पा रहा है, तो क्या करेंगे 2-2 का ग्रुप हम लोग बना लेंगे। ठीक है, 2-2 का ग्रुप बनाने के लिए हम ऊपर से आते हैं, तो ऊपर में एक ग्रुप आप इसका बना सकते हैं, एक हो सकता है, दूसरा ग्रुप आप इसको कंबाइनेशन से कर सकते हैं बहुत ही इजीली, उसके बाद में तीसरा ग्रुप आप इसको कंबाइन कर सकते हैं और ये आपका चौथा ग्रुप हो जाएगा। अब आप देखते हैं कि जो बहुत ही आसानी से हम लोग इसको कंबाइन कर लिए, कोई भी बच नहीं रहा है, यानी कि 4 रेक्टेंगल बना और 4 में हम लोग सारे नंबर्स को इसमें जो है ना कंबाइन कर लिए हैं। अब इनका एक्सप्रेशन लिखना है, एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे जो हम लोग अभी लिखते आ रहे हैं। तो मान लीजिए कि हम इसके लिए एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए जब लिखेंगे तो आप इसमें देखेंगे ए और बी में क्या कंबाइन है, ए और बी में क्या कम है, सॉरी कॉमन है, कॉमन क्या है यहाँ पर देख पा रहे हैं, ए का वैल्यू 1 है और ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है, बी तो कन्वर्ट हो गया है तो ए का वैल्यू 1, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1 है तो ए का क्या लिख देंगे कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे, चूंकि 1 है तो कॉम्प्लीमेंट, चूंकि ये मैक्स टर्म, ध्यान रखना आपको मैक्स टर्म है। ठीक है, और उसके बाद इसके लिए देखेंगे सी और डी को देखेंगे इसमें, इस चूंकि इसके लिए सी और डी दोनों है तो सी क्या है 0 है और डी भी 0 है, तो यहाँ पे सिंपली करेंगे प्लस सी प्लस डी, ये हमारा 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद में इसके लिए लिखते हैं, इस नीचे वाले के लिखते हैं, तो इसके लिए देखेंगे इसमें जो है इसमें देखेंगे यानी कि यहाँ पे ए और बी है, ए और बी, ए है आपका ए और बी, जिसमें ए क्या है 1 है, बी है 0, तो ए 1 है तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, प्लस बी तो 0 है तो बी रहेगा सिंपल में। अब इस दोनों सेल में, इस दोनों सेल में हमको देखना है कि कौन कॉमन है, इन दोनों सेल में हमें देखना है कि कौन कॉमन है सी और डी में, तो देख रहे हैं सी कॉमन है और सी का वैल्यू कितना है 1 है तो प्लस यहाँ पे सी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, चूंकि 1 है तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट कर दिए, तो 2 का हम लोग एक्सप्रेशन लिख लिए। नेक्स्ट हमारा है इसमें लिखते हैं इसको, तीसरा वाला को बीच वाले को लिखते हैं, इसको लिखते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि इसमें जो सबसे ए और बी में देखेंगे तो ए और बी में क्या कॉमन है, इसमें देखिए इसके लिए सेल ये हो रहा है तो ए और बी में क्या कॉमन है, यहाँ पे देख लीजिए बी कॉमन है और बी का वैल्यू कितना है 1 है तो यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, चूंकि 1 है तो कॉम्प्लीमेंट हो गया प्लस। अब देखिए इसमें जो देखिए ऊपर में आएंगे तो यहाँ पे आएंगे तो C और D है, तो C का वैल्यू क्या है 0 है तो 0 C हो जाएगा, और प्लस D का वैल्यू 1 है तो D का यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, तो हमारा तीसरा एक्सप्रेशन निकल गया। अब चौथा एक्सप्रेशन हमारा है ये वाला एक्सप्रेशन है सबसे ऊपर वाला, और इसमें देखेंगे कि यहाँ पे देखिए इसमें और ए बी में देखिए ए और बी में क्या कॉमन है, यहाँ पे ए और बी में क्या कॉमन है तो ए कॉमन है और ए का वैल्यू 0 है तो सिंपली ये रह जाएगा प्लस। अब इसमें देखेंगे सी और डी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सी और डी दोनों क्या है 1 है, दोनों क्या है 1 है तो यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट और प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, ये आपका जो है ना चारों एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब इसको फाइनली आप लिखेंगे तो इस तरह का जो है ना एक्सप्रेशन आपके पास इस तरह का जो है ना आप देख लेंगे मिल जाएगा, ये जो है ना सबको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो आपका फाइनल आंसर बन जाएगा, और यही हमारा जो है ना फाइनली आंसर मिल जाएगा, जो चारों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे जो बना है यही हमारा एक्सप्रेशन हो गया। अब आपको यही ध्यान रखना है कि लिखते समय मेन टर्म लिखते समय और मैक्स टर्म लिखते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ मल्टीप्लाई करना है और कहाँ आपको एडिशन करना है। मैक्स टर्म जब भी होगा तो होता है पहले सम करते हैं बाद में प्रोडक्ट होता है, तो चारों का सम कर लिए हैं अब इसके साथ इसको सबको जो है ना प्रोडक्ट कर देंगे तो ये जो था आपका मैक्स टर्म होता है। मैक्स टर्म में क्या होता है हम लोग जीरो को रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल वैल्यू पर, यानी कि ए अगर है तो ए का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा और ए कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू यहाँ पे ये नॉर्मल वैल्यू जो हमारा होगा वो 0 हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे जब भी 1 आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे उसके लिए कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, लेकिन 0 आएगा तो क्या लिखेंगे ए सिंपल वेरिएबल लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग पहले भी देख चुके हैं इसके लिए फिर से बताते हैं, अगर आपके पास मेन टर्म है एक प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मेन टर्म है तो ए का वैल्यू आपका 0 होगा और ए कॉम्प्लीमेंट का होगा, ए का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा और ए कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, लेकिन अगर आप मैक्स टर्म लिख रहे हैं मैक्स टर्म तो मैक्स टर्म में क्या होगा ए का वैल्यू आपका 0 होगा और ए कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, इस तरह से जो है दोनों में अपोजिट रिलेशन है।